चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान शीर्ष चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह 22 जून को रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने के 75वें वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं। भारतीय रक्षाकर्मी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चीनी नेताओं से मुलाकात यहां पर नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को जाएंगे और चीनी नेताओं से यहां पर किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं होगी। रूस के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी नेताओं से यहां पर किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं पूरे देश में एक ही आवाज उठ रही है, वो चीन के खिलाफ है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को जाएंगे और वहां पर चीनी नेताओं से किसी भी प्रकार की मुलाकात का कोई कार्यक्रम उनका नहीं है। भारतीय रक्षाकर्मी भी यहां पर शिरकत करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार के हालात फिलहाल बने हुए हैं उसी को लेकर पूरे देश में भी रोष व्याप्त है। सभी देशवासी एकजुट होकर एक ही आवाज उठा रहे हैं और वो आवाज चीन के खिलाफ है, और इसीलिए यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीनी नेताओं से मुलाकात का, उनसे बातचीत का कोई भी कार्यक्रम यहां पर नहीं रखा है। चीनी नेताओं से किसी प्रकार की कोई मुलाकात उनकी बिल्कुल नहीं होगी। मॉस्को जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC पर। जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, हमारे 20 जवान यहां पर शहीद हुए हैं और पूरे देश में आक्रोश इस वक्त है। उन 20 जवानों की शहादत को सलाम है और इसी वजह से पूरा देश एकजुट होकर एक ही आवाज उठा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में आक्रोश है और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं एक ही आवाज पूरे देशवासी उठा रहे हैं और वो आवाज बिल्कुल चीन के खिलाफ है। और अब जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को जाएंगे वहां पर भी चीनी नेताओं के साथ किसी प्रकार की कोई मुलाकात का कार्यक्रम यहां पर नहीं है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से उनकी रूस यात्रा निर्धारित की गई है उसमें नाजियों ने जिस तरीके से जर्मनी पे विजय हासिल की थी उसकी 75वीं वर्षगांठ पर जरूर शामिल होंगे, लेकिन पूरी तरीके से चीन का बॉयकॉट किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से व्यवहार किया पिछले दिनों जो झड़प हुई है उसमें आज जाकर के ये साफ हो पाया है सेना की तरफ से कि कुछ जो जवान थे उनको चीन ने अब लौटाया है। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जो भारतीय सैनिक हैं वो लापता है, उनको ढूंढा जा रहा है, तलाश की जा रही है। और फाइनली ये निकल करके आया कि कुछ जो सैनिक थे वो चीन के कब्जे में थे जिनको वापस रिहा कर दिया गया जी, और सैनिक जो अब स्वदेश लौट रहे हैं। ऐसे में जो पूरी नाराजगी है, राजनाथ सिंह जरूर अपना विरोध दर्ज करेंगे चीन के सामने कि जो व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिस तरीके से ट्रीटी हुई है, जिस तरीके से समझौता हुआ है उसके खिलाफ है पूरी तरीके से। बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वर्चुअल बैठक होगी शाम 5 बजे और यहाँ पर राजनीतिक दलों के 17 राजनीतिक दल यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ यहाँ पर बड़ा फैसला लिए जाने के आसार, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत चीन के मौजूदा हालातों पर यहाँ चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल, मौजूदा हालात पर चर्चा होगी, 17 पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें शामिल होंगी, बिल्कुल सोनिया गांधी और शामिल होंगी कांग्रेस की तरफ से, तमाम वो जो पार्टियां जिनके पास 5 सांसद हैं पार्लियामेंट में उनके अध्यक्ष में शामिल होंगे, उद्धव ठाकरे के शामिल होने की बात है, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम जो नाम है वो शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नाराजगी ये जताई गई है कि दिल्ली में
बार मुख्यमंत्री चुने जाने के बावजूद, पंजाब में विपक्षी दल होने के बावजूद, आम आदमी पार्टी को इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया। वही राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है उसकी तरफ से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि उनको भी, उनकी पार्टी को भी इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं मिला। ऐसे में वो तमाम पार्टियां जिनके पास आंसर नहीं है पार्लियामेंट में, उनको प्रधानमंत्री की ओर से इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया, ये जरूर आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों 15 तारीख को भी कोरोना के मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और एक बार फिर से जिस तरीके से विपक्षी दल मुद्दा उठा रहे थे कि देश के सामने प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं रखी, चीन के साथ क्या कुछ हुआ, वो सारी चर्चा विपक्षी दलों को भी पता होनी चाहिए और वो पूरी बात पता होनी चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को बुलाया, एक वर्चुअल बैठक होगी और उसमें क्या कुछ रहा वो सब कुछ साझा किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे, सर्वदलीय बैठक ये होगी और तमाम जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उन पर चर्चा इस बैठक में होगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।